जे इसे थर्ड प्राइज मिला था स्कूल में। और बेटा आपको बुखार हो गया है? कितना बुखार है? चारे चारा चढ़ गया। गाइस आज ध्रुविका के लिए सरप्राइज है, देखते हैं इसमें क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये रहा सुबह का माहौल और ये हमारी गाड़ी, ये बहुत ज्यादा अभी गंदी हो गई है। ये ध्रुविका स्कूल के लिए अब तैयार हो गई है। आप स्कूल कितने बजे जाते हो? 7:30। ये रही स्कूल की ड्रेस ध्रुविका की, और ये गाड़ी हमारी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। ये रहा, और इसे अभी धुलवाना पड़ेगा, संडे को जाएंगे धुलवाने के लिए। चलो हमारी बस आने वाली है अभी। ध्रुविका बाय बाय कर दो। दोनों बहनों ने एक जैसे कपड़े पहने और जेसिका ने लगाया है थर्मामीटर, और इसे हो गया है बुखार, और इसका चेहरा भी अभी ऐसे ही लग रहा है। और बेटा आपको बुखार हो गया है? कितना बुखार है? चारे चारा चढ़ गया। अच्छा, जेसिका को बुखार हो गया है, और अब इसका हम बुखार चेक कर रहे हैं। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? ओके, आप जाओगे? हाँ जाएंगे। तो ये रही ध्रुविका। ध्रुविका कैसे हो आप? ठीक हूँ। अपना वो सर्टिफिकेट और प्राइस दिखाओ। जेसिका आप ठीक हो बापू? ओके। और ये रहा ध्रुविका का प्राइस। जैसे मैं आपको स्कूल का प्राइस दिखा रहा हूँ, जैसे थर्ड प्राइस मिला था स्कूल में, तो ये रहा इसका प्राइस। और इसका स्कूल का नाम है गुरुकुल। और ये रहा इसका सर्टिफिकेट। बेटा इस अपने सर्टिफिकेट के बारे में बताओ थोड़ा सा। हमारे ना स्कूल में जैसे कि बहुत सारे ना पार्टिसिपेट होते हैं, मैं हर पार्टिसिपेट में हिस्सा लेती हूँ, और ना उसके अंदर ना हिंदी कैलीग्राफी का कंपटीशन था, और उसके अंदर ना हमें ना बुक में से देखकर हिंदी की राइटिंग लिखनी होती है। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनके हिसाब से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करना चाहता है। ओके, अब जब जेसिका का बुखार चेक करते हैं। बाबू आपको बुखार, आपने नीचे लगा लिए तो मैं आपको सेटिंग कर दूं। ऊपर करो, बाजू ऊपर करो। हाँ ओके, इसे नीचे कर लो। हाँ, जेसिका का बुखार अब ठीक हो जाएगा। आप दाई खा लेना, ठीक है? ओके ठीक है। ओके, और दोस्तों इन दोनों की ड्रेस बताइए कैसी है। इन दोनों साथ में बैठते, ये रही दोनों की ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही है। आपने थर्मामीटर निकाल लिया, चलो इसे अब दे दो। हेलो गाइस, आज ध्रुविका के लिए सरप्राइज है, देखते हैं इसमें क्या है। ध्रुविका क्या आपको पता है इसके अंदर क्या है? इसे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं कि इसके दादू हैं वो लेकर आए हैं खेतों से। तो खेतों में क्या हो सकता है आपको पता है इसके बारे में? फसल नहीं हो सकती। जे आपके लिए लेकर आया, और हमने इसे काफ़ी दिनों से इसे पका रहे थे, और अब देखते हैं। हाँ जे फ्रूटी है, आप इसे आप ओपन कीजिए और मुझे बताइए इसमें क्या है। जे ध्रुविका आप इसे ओपन करने वाली है, बताइए बेटा क्या है इसके अंदर। ओ यस, इसके अंदर है चीकू। जहाँ से हम इसे लेकर आए थे तब ये कच्चे थे, तब इसे हमने ऐसे कागज में इस तरह से इसे हमने रख दिया रैप करके। तो अब ये थोड़े से पक्के हो गए हैं। इसको खोलो, सभी को खोलो आप वन बाय वन करके। अब ये देखिए, अब ये पक चुके हैं, अब ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, और ये पक चुके हैं। और इसको हम सारे खोल खोल के रखते हैं। रैपर इस साइड रख दो आप, और ध्यान से रखना, मम्मी डांटेंगी ज़्यादा खिलारा कर दिया। तो ये सारे चीकू हैं, और कैसा लग रहा है आपको? यस, ये सारे चीकू हैं, और ये ध्रुविका के चीकू फेवरेट है, जेसिका के भी फेवरेट है, और मेरे ऑफ कोर्स फेवरेट तो है ही है। तो कैसा लग रहा है आपको ये चीकू देखकर? बहुत अच्छा। खेतों के चीकू जब मेरे नानी लाते थे ना, तब मैं खाती थी, कितना मजा आता था ना हमें गांव में। ये रहे चीकू। तो ये चीकू ध्रुविका ने, ये रहे हमारे चीकू। वाह, मजा आ गया। तो अब ये ध्रुविका चीकू खा कर दिखाएगी। आप ये चीकू
खाके दिखाओ बेटा कैसा लग रहा है। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों इस ध्रुविका को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, हम इसे अब काट कर अच्छे से खाएंगे। बेटा रुक जाओ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। ओके गाइस बाय।